हे गाइस वेलकम और इस वीडियो में बात करेंगे टेंसटैक क्वेरी के बारे में जिसको आप रिएक्ट क्वेरी के नाम से भी जानते थे अब जो रिएक्ट क्वेरी है रिएक्ट के साथ साथ आप बाकी अदर लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते इसलिए इसने यहाँ पे टेंसटैक क्वेरी नाम दे दिया अब ये जो टेंसटैक है ये जो नाम है वर्सल ने दिया जिसने नेक्स्ट बनाया है और टेंसटैक काइंड kind ऑफ of, रैंडम सा नाम है जो ये बताता है ग्रुप ऑफ स्टैक जो एक साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को इनहस करने के लिए वैसे टेन स्टैक के अंदर और भी लाइब्रेरीज आती हैं हम टेन स्टैक क्वेरी कवर करने वाले आप और भी लाइब्रेरीज का नाम नीचे देख सकते और यहाँ पर हम टेन स्टैक क्वेरी कवर करने वाले सो टेन स्टैक क्वेरी हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ देता है या इसे हम क्यों यूज़ करेंगे तो सिंपली अगर एक लाइन में बात करें तो इसकी हेल्प से हम एस रिक्वेस्ट को भेज सकेंगे कहाँ से अपने एप्लीकेशन से कौन सा एप्लीकेशन जैसे हम अभी रिएक्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो रिएक्ट एप्लीकेशन से भेज सकेंगे तो आप कह सकते हो कि सिर्फ एस रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम इसको क्यूर रखेंगे राइट क्योंकि इसका भी साइज होगा और आप ऑलरेडी फेच ए यूज़ कर सकते हो एक्सेस यूज कर सकते हो राइट यहाँ पर हमारे एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है जिस जिसपे हम ट्राई करने वाले इसको टें स्ट्रैक क्वेरी को तो ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ईजी है ज़्यादा कॉम्प्रेंस भी नहीं है तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा तो नोट्स न्यू नोट्स है फाइन नोट्स है तो यहाँ पर देखिए अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि नेटवर्क में कॉल दिखेगा आपको नोट्स के लिए और ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क में डेटा दिख रहा है राइट्स यानी एपीआई से डेटा लेके आ रहा है है ना तो ये तो काम चल रहा है है ना और इसको अगर आप देखा देखोगे यहाँ पे तो मैं अगर नोट्स डॉट जेस में जाऊँगा भाई दवे ये जो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसको क्लोन करना है ये स्टार्टर प्रोजेक्ट है हमारे टेन स्टैक क्वेरी के लिए जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे इसको एनहेंस करेंगे साथ में इसी पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले जो भी अपना टेन स्टैक क्वेरी है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर मैं फेच यूज़ कर रहा हूँ सारे ब्राउजर में अवेलेबल है आप इसके जगह पे थर्ड पार्टी पैकेज जैसे एक्सीएस यूज़ कर सकते हो एक्सीएस से हम एस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और काफ़ी कुछ हैंडल कर सकते हैं तो ये काम तो चल रहा है फिर टैंसटैग को क्यों यूज़ करेंगे राइट right? ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये एप्लीकेशन में क्या बुराई है सब चीज़ तो सही चल रहा है मैं यहाँ पे नोट्स फाइंड कर सकता हूँ लेट्स तो से मैं अगर एंगुलर टाइप करूँ तो उससे रिलेटेड नोट्स आएगा जो मैंने पोस्ट किया तो चल दो रहा है फिर हमें टैनस्टैग क्यों चाहिए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ एच कॉल करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे ये उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है जिसके लिए आपको खुद से कोड लिखनी पड़ेगी जैसे लोडिंग स्टेट या एर स्टेट हैंडल करने के लिए एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये यह मेरा कॉम्पोनेंट का स्टेट है राइट यूज स्टेट यूज़ कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सो so, मेरा कॉम्पोनेंट का स्टेट है अब यहाँ पे अगर एरर आए तो मैं उसके लिए स्टेट मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे है ना और अगर लोडिंग प्रोग्रेस है तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ और लेट से तीन चार चीज़ और जोड़ दिया तो उसके लिए भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा यानी मैं खुद से कोड लिख रहा हूँ लॉजिक लिख रहा हूँ कि कब मुझे एरर को क्लियर करना है कब मुझे एरर को सेट करना है कब मुझे लोडिंग को ट्रू करना है कब फॉल्स करना है राइट तो ये सब चीज़ मैं खुद से हैंडल कर रहा हूँ यानी मैं सारा चीज़ मैनुअली कर रहा हूँ और ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है बड़ी रहेगी तो और भी कुछ हैंडल करना पड़ सकता है यहाँ पे ले मल्टीपल कंपोनेंट है जो ए कॉल कर रही है राइट तो उस केस में मुझे मल्टीपल आप देख सकते हैं तो फेच ए मिलता है ना तो ये तो छोटी एप्लीकेशन है और आप बोलोगे ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये प्रोसेस है ऐसा हम फॉलो करते आए हैं और अभी तक हम ऐसी तो ए पी कॉल करते हैं चाहे फेच हो चाहे एक्सीएस तो ये सही है लेकिन इसको भी सिम्पलीफाई कर सकते हैं मतलब टेन्स्टैक को इंस्टॉल करते हैं यूज़ करते हैं और टेंस्ट्रैक ये बोले कि भाई ये जो भी काम है ना ये मुझको दे दो तुम बस किस एंड पॉइंट को हिट करना हो बताओ उसका स्टेट क्या है मतलब लोडिंग में है या नहीं है ए का डेटा आया कि नहीं आया एरर आया कि नहीं आया मैं सब तुमको बताऊँगा सारा स्टेट मैं खुद मैनेज करूँगा यानी ये जो हम असिंक्रोनस काम कर रहे हैं राइट ये सारा असिंक्रोनस टास्क या जो प्रोसेस है टेंस्ट्रैक हैंडल करेगा और ये एक पार्ट है इसके साथ साथ आपको और भी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि आप डेटा कैशिंग देख सकते हैं डी डुप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट पेजिनेशन, इेशन इन फाइनाइट स्क्रॉलिंग रीट्राई ऑन एरर प्री फैचिंग बैकग्राउंड डेटा सिंक्रोनाइजेशन सर्वर साइड रेंडिंग सपोर्ट स्टेट मैनेजमेंट यानी ये सब क्या है ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसको आपको खुद से लिखने पड़ते अब एग्जाम्पल के लिए डेटा कैशिंग आपको पता है कैशिंग मतलब क्या अगर ऑलरेडी डेटा आपके पास है तो आप उसको यूज़ करो और बैकग्राउंड में उसको फेच करो मतलब कि आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं नोट्स से ठीक है मैं न्यू नोट्स पे गया और मैं वापस नोट्स पे आऊँगा तो आप देखो ए कॉल हुआ अगर मैं इसको स्लो थ्री में करूँ और मैं न्यू नोट्स पर जाऊँ और फिर मैं नोट्स पर आऊँ तो मुझे वेट करना पड़ रहा है अब भाई फिर डेटा आया तो क्यों ना इस डेटा को मैं कैश में रखूँ है ना क्योंकि डेटा वैसे भी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है ना तो यहाँ पे कोई स्टॉक्स का मैं डेटा नहीं देख रहा कि एकदम मुझे रियल टाइम पे जीरो मिली सेकेंड्स में क्या हो रहा हो चाहिए तो न्यू नोट्स से अगर मैं नोट्स पर जा रहा हूँ तो मैं वही डेटा देख रहा हूँ तो क्यों ना मैं कैश वाला डेटा रिटर्न करूँ और बैकग्राउंड में जो भी लेटेस्ट डेटा उसको फेच कर लूँ तो उसको बोलते हैं कैशिंग राइट तो यहाँ पर ये यह सारे फीचर्स हमारे काम के डी डुप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है मतलब लेट्स यहाँ पर तीन चार कॉम्पोनेंट है ठीक है यहाँ पर और वो एक ही ए कॉल कर रहा है राइट right? तो उस केस में अगर ए कॉल सेम है और तीन चार कॉम्पोनेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो एक ही रिक्वेस्ट भेजेगा और उसी डेटा को यानी रिस्पॉन्स को बाकी कॉम्पोनेंट के साथ शेयर करेगा यानी कि तीन अलग अलग कॉम्पोनेंट के लिए तीन अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं जाएगा वो देखेगा कि भाई जो रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में है क्या वही ए है या एस कॉल है बाकी कॉम्पोन भी भेज रहा है उस केस में वो क्या करेगा सिर्फ़ एक भेजेगा बाकी के साथ डेटा शेयर करेगा राइट right? उसके बाद पेजिनेशन इन्फेनिट स्क्रॉलिंग को भी ईजी बना देता है रिट्राई ऑन एरर क्या लेथ से एरर हो गया ठीक है तो एरर हो गया तो इस केस में क्या आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा तो जाकर नया डेटा आएगा या किसी दूसरे राउट से उस पेज पे वापस आना पड़ेगा या फिर उस राउट पे आना पड़ेगा तो डेटा आपका वापस आएगा तो ये उस केस में उसको भी हैंडल कर लेता है खुद से रिट्राई करेगा प्रीफेचिंग मतलब आपको पता है कि लेथ से कोई फिल्टर्ड नोट्स होगा ठीक है यहाँ पर और मैं उस पर जाने वाला हूँ या जा, जाने वाला हूँ या जाऊँगा तो उसके लिए आप डेटा को प्रीफेच कर सकते हो कि अगर मैं उस पर जाऊँ तो मुझे उसके लिए वेट ना करना पड़े तो ये काइंड ऑफ प्रीफेचिंग का और बैकग्राउंड डेटा सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जो डेटा है आपके सर्वर का जो स्टेट है मतलब सर्वर का स्टेट मतलब क्या कि ये मेरा लोकल स्टेट है जैसे थीम कौन सा है ये सारा चीज़ लेकिन सर्वर का स्टेट मतलब सर्वर साइड स्टेट मतलब ये जो डेटा आ रहा है राइट ये डेटा कहाँ से आ रहा है सर्वर से आ रहा है तो सर्वर का स्टेट है तो उसके साथ सिंक में रखेगा मतलब कि जो भी लेटेस्ट डेटा रहेगा वो आपके यू आई पे दिखाने के लिए लेके आएगा तो कहने का मतलब क्या कि अब आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है ठीक है उसके और यहाँ पे ले से बैक एंड है ठीक है ये आपका यू आई है या रिएक्ट है मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और ये आपका बैक एंड है ठीक है तो अब ये रिएक्ट सीधा बैकेंड को कनेक्ट ना करके या कांटेक्ट ना करके ये किसको करेगा हमारे यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी को करेगा ठीक है तो ये बीच में स्टेट मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो रिएक्ट क्वेरी इसको कॉल करेगा और ये कनेक्ट करेगा बैकेंड से बैकेंड इसको डेटा देगा और फिर आपको ये स्मार्टली डेटा मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा तो इसलिए हम बीच में रिएक्ट क्वेरी या आप टेंसटाक् क्वेरी बोल सकते हो यूज़ करने वाले तो इतने सारे फ़ीचर्स हैं एक एक करके हम देखेंगे लेकिन पहले इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सो so, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए राइट आप देख सकते हो वर्जन फाइव है तो अब इंस्टॉलेशन कैसे करें तो सिंपल सा है आपको एन पी एम आई यान इंस्टॉल इसको मैं जूम कर लेता हूँ ठीक है और ये आपको रन करना है तो अब क्वेश्चन है कि इसको हम कहाँ पर इंस्टॉल करना है तो जाहिर सी बात है कि मैंने बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टर uh, प्रोजेक्ट का लिंक रहेगा आप उसको क्लोन या डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जब आप वी कोड में खोलेंगे तो आपको एक ए फोल्डर मिलेगी जो कि इसके ऐप डॉट जे में इसके अंदर बैक एंड्स के ए लिखी है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करेगा फ्रंट एंड के लिए और बाकी ए रिएक्ट के लिए फोल्डर्स हैं जैसे पब्लिक एस के अंदर कॉम्पोनेंट्स ठीक है तो ये काफ़ी कॉमन और सिंपल सा प्रोजेक्ट है नोट्स टेकिंग ऐप ठीक है सो so, कॉम्पोरेंट्स के अंदर ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं और यहाँ पे आप डॉट जे से रिएक्ट राउटर वर्जन सिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरीके से हमने क्रिएट ब्राउज़र राउटर यूज़ किया और यहाँ पे हमने राउट्स क्रिएट किए अब यहाँ पे मुझे क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले इसको रन करना पड़ेगा ठीक है तो मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ अब हम देखते हैं इसको रन कैसे करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ सो न्यू टर्मिनल खोल लिया मैं यहाँ पर क्या करूँगा बैक एंड रन करने के लिए मैं क्या करूँगा सिंपली एन पी एम रन ए पी आई लिख दूंगा ठीक है इससे मेरा बैक एंड सर्वर स्टार्ट हो जाएगा जो कि मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा और एक यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं एन पी एम स्टार्ट करूँगा जिससे मेरा रिएक्ट के लिए जो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो एक बैक एंड एक रिएक्ट का और बैक एंड का जो पोर्ट है क्या है एट जीरो ज़ीरो वन यानी सेम लोकल होस्ट पे ही एट जीरो ज़ीरो वन पोर्ट बैकेंड का है और हमारा थ्री थाउजेंड पोर्ट रिएक्ट करेगा इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे टेंस स्टैक का सो so इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम लेगा और एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा और इस्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेंस स्टैक रिएक्ट क्वेरी इंस्टॉल हो चुका है और वर्सन फाइव है ठीक है और इससे रिलेटेड बाकी के डिपेंडेंसी भी हो चुके हैं तो ये तो हो गया अब हम क्या करेंगे एन स्टार्ट कर देंगे ठीक है हमारा रिएक्ट का जो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और जब स्टार्ट हो जाए तो हम यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश कर लेंगे ठीक है बिल्कुल मैं पहले से चला रहा था जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए मैंने बंद किया तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सो ये जो डेटा आ रहा है बैक एंड से आ रहा है इसके लिए ए लिखी गई है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ए के अंदर हम यहाँ पर नोट जेस और एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं ए पी आई क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल सा है जो डेटा है हम फाइनल हैंडलिंग कर रहे हैं मतलब लोकली सेव कर रहे हैं कोई डेटा बेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे हमें ईजी रहेगा मतलब अलग सा कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फाइल हम जेसन भी रख रहे हैं यहाँ पे लोकली तो अपनी अप्लीकेशन रनिंग है अब इसको इंस्टॉलेशन के बाद कैसे कन्फिगर करना है क्योंकि हमें सिंक्रोनस डेट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे अप्लीकेशन के लिए तो इसको कहीं ना कहीं कन्फिगर करना पड़ेगा तो मैंने एक क्विक स्टार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट का इंस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है ठीक है अब ये क्वेरी क्लाइंट क्या है अभी हम जो बात कर रहे थे रिएक्ट क्वेरी राइट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है क्वेरी क्लाइंट ठीक है उससे पहले इंस्टाग्राम को हम सही कर देते अब बीच में क्या आ रहा है रिएक्ट क्वेरी ठीक है रिएक्ट हमारा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है बैक एंड से बीच में रिएक्ट क्वेरी आ रहा है और रिएक्ट क्वेरी का सबसे आप बोल सकते हो सेंट्रल पीस कौन है क्वेरी क्लाइंट जैसे आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का सेंट्रल पीस या आपका सी है राइट तो इसी तरह क्वेरी क्लाइंट रिएक्ट क्वेरी का सेंट्रल पीस है क्योंकि आप इसकी हेल्प से क्या कर पाओगे इसकी हेल्प से आप बोला जाए तो डेटा कैशिंग कर पाओगे ठीक है डेटा कैशिंग में हेल्प करेगा डेटा को मैनेज करने में हेल्प करेगा राइट नेटवर्क कॉल्स में हेल्प करेगा ए कॉल करने में डेटा फेचिंग में हेल्प करेगा तो जो भी आप स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हो राइट स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से मतलब कि आपके ए का स्टेटस क्या है ठीक है मतलब इज लोडिंग एरर है या फिर जो भी उस तरह की चीज़ें जो हम देख रहे थे यानी उसका लोडिंग स्टेट एरर स्टेट उसका डेटा आया कि नहीं आया ये पूरा स्टेट ये मैनेज करेगा सो क्वेरी क्लाइंट इतनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब इतनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं ये कोर पीस है ठीक है ओके अब ये जो क्वेरी क्लाइंट है हमें कहाँ पर चाहिए अपने रिएक्ट में चाहिए लेकिन ये सीधा हम यूज़ नहीं कर सकते ये बिल्कुल वैसा समझिए कि आपके पास राउटर है आप राउटर सीधा रिएक्ट में यूज़ कर पाओगे क्या नहीं यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे मेरा राउटर के कन्फिग्रेशन से राइट इसमें सारे राउट्स हैं किस पाथ पे कौन सा मेरा आ, मेरा कॉम्पोनेंट दिखेगा या रेंडर होगा तो ये सीधा काम कर रहा है कि नहीं राइट नहीं कर रहा है हमें यहाँ पर एक प्रोवाइडर चाहिए जिसका नाम है राउटर प्रोवाइडर और फिर हम इसको प्रॉप्स पास कर रहे हैं राइट ये वाला चीज़ यहाँ पास कर रहे राउटर पर और फिर जाके मेरा राउटर काम कर रहा है तो ये सीधा हम यूज़ नहीं कर पा रहे हमें प्रोवाइडर चाहिए यहाँ पर भी सेम है आप क्वेरी क्लाइंट सीधा यूज़ नहीं कर पाओगे आपको एक प्रोवाइडर चाहिए ठीक है so, सो बीच में हमारा प्रोवाइडर आएगा ठीक है और इसका नाम क्या इस प्रोवाइडर का नाम रहेगा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर ठीक है और ये आप क्वेरी क्लाइंट इसको पास करोगे और फिर ये रिएक्ट अपने आप, आपके एप्लीकेशन को ये पूरा क्वेरी क्लाइंट का फीचर प्रोवाइड करेगा तो ये करेंगे कैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा सो so, सबसे ऊपर इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या यहाँ पे आपको टैंसटेक रिएक्ट क्वेरी से इम्पोर्ट करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे आप क्या इम्पोर्ट करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो राइट इन्होंने क्या इम्पोर्ट किया क्वेरी क्लाइंट है ना टैंसटेक रिएक्ट रिएक्ट क्वेरी से तो मैं यहाँ पर क्वेरी क्लाइंट को इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट कर लिया और मैं यहाँ पर इसके जस्ट नीचे का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट इक्वल टू क्वेरी क्लाइंट कॉल कर दूंगा सॉरी ओके okay. और इसके आगे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसका आपको ऑब्जेक्ट चाहिए इंस्टेंस क्रिएट करना है ठीक है अब क्वेरी क्लाइंट मैंने क्रिएट कर लिया है जो कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर डायग्राम में ठीक है अब मुझे चाहिए एक प्रोवाइडर जिसके थ्रू मैं पास करूँगा अपने एप्लीकेशन में तो मुझे यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक और चीज़ क्वेरी क्लाइंट कॉमा यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट नाम से पता चल रहा है प्रोवाइडर ठीक है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे यूज़ करना है तो मेरा आप यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मेरा एप्लीकेशन कहाँ पे पूरे जो भी कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं किसके थ्रू रेंडर होने वाले इसके थ्रू राइट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे जो डेमो में मतलब डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है टू टूडूस है और टू टूडूस के अंदर इसके सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे मेरा राउटर है तो मैं इस राउटर प्रोवाइडर को रैप करूँगा एक और प्रोवाइडर से ठीक है तो मैं क्या करूँगा मेरा प्रोवाइडर का नाम क्या रहेगा प्रोवाइडर का नाम रहेगा क्वीरी क्लाइंट सो मैं क्वीरी क्लाइंट प्रोवाइडर कॉल कर रहा हूँ और मैं इसके अंदर अपने इस वाले कोड को पास कर दूंगा, ठीक है so, सो मैंने रैप कर दिया एक और प्रोवाइडर से और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्लाइंट प्रॉप के ऊपर मुझे क्वेरी क्लाइंट पास करनी है ठीक है so, सो मेरा सेटअप अब बस कम्प्लीट होने वाला है तो क्लाइंट के ऊपर ऑटो सजेशन भी आ रहा है मैं यहाँ पर क्लाइंट पास कर रहा हूँ ठीक है इसके साथ मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो गया और ये पैटर्न काफ़ी कॉमन है राइट आप क्या कर रहे हो इसको एज अ चाइल्ड पास कर रहे हो मतलब ये चिल्ड्रेन हो गया राइट चिल्ड्रेन दो कॉम्पोनेंट जैसे मेरा अगर लेट से लेट से मेरा कार्ड कॉम्पोनेंट है और इसके अंदर अगर मैं कुछ पास करता हूँ ठीक है हेलो या एच वन टैग तो मतलब क्या मेरा जो कार्ड कॉम्पोनेंट है ठीक है लेट से मेरा ये फंक्शन कार्ड ठीक है ये मेरा कार्ड कॉम्पोनेंट है तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे चिल्ड्रेन मिलने वाला है यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होता है आजकल तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रेन इससे एक्सट्रैक्ट करूँगा या प्रॉप्स और चिल्ड्रेन और मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकूँगा राइट जो भी है जैसे चिल्ड्रेन राइट चिल्ड्रेन तो ये जो चिल्ड्रेन आ रहा है कौन सा है ये मेरा हेलो राइट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कार्ड के बीच में जो पास कर रहे एज अ चिल्ड्रेन आता है तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के ऊपर जो क्वेरी क्लाइंट पास कर रहे हैं ये हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अपने कंप्लीट कॉम्फिडेंस में क्यूं? क्यों क्योंकि इसका स्कोप कवर हो रहा है राइट ये करेंट स्कोप में आ रहा है इसके बीच में हम पास कर रहे हैं ना ये अगर इसके बाहर रहता तो हम यूज़ नहीं कर पाते ये इसके अंदर है तो मतलब इसके करेंट स्कोप में ये आ रहा है ठीक है अब हमारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है इसको यूज़ करना बाकी है सो so, हमारा फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो गया तो हमारा इनिशियल सेटअप हो चुका है अब टाइम है कि हम टेंस टैक के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे अपने कॉम्पोनेंट्स में ठीक है सो अब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कॉम्पोनन्ट्स में कॉम्पोनेंस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सॉरी एक्सपेंड किया और यहाँ पे मैं नोट्स डॉट जेस में जाऊँगा ठीक है तो पहले मैं इस पर काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ इफेक्ट के अंदर यहाँ पर सेटर सेट लोडिंग है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस कोड को कट करूँगा फेच से लेकर फाइनली तक ठीक है और उससे पहले मैं यूटिलिटी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा एच एस ठीक है और मैंने अभी कट किया था एक सेकेंड इसको अच्छे से कट कर लेते हैं और उसके बाद एस टी इसमें मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा सो फंक्शन fetch नोट्स नाम से क्योंकि ये नोट्स को फैच कर रहा है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ठीक है मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूँगा अब मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं चाहिए सेट इज़ लोडिंग मैं यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं कर रहा यहाँ पे जो डेटा आएगा यहाँ पे मैं इसको सेट नोट्स भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई यूज डेट नहीं है ठीक है ये मेरा नॉर्मल सा फाइल है और ओनली रिस्पॉन्सिबल है फेच कॉल करने के लिए ठीक है और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर डेटा रिटर्न कर रहा हूँ ठीक है सिंपल सा ओके आप चाहे तो इसको आसिंक कमेटी बना सकते हो मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉमिस यूज़ कर रहा हूँ अब इस फेस नोट का रिटर्न टाइप क्या है प्रॉमिस है ठीक है अब मैं नोट्स डॉट जेस में जाऊँगा इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे ये नहीं चाहिए मुझे सेट एरर भी नहीं चाहिए ठीक है इस लोडिंग भी नहीं चाहिए ठीक है मुझे नोट्स भी नहीं चाहिए ओके ये सब मुझे नहीं चाहिए अब मैं यहाँ पे किसी चीज़ को इम्पोर्ट करूँगा सो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा एक कस्टम हुक जो प्रोवाइड करता है टेंसटेक क्वेरी ठीक है और यहाँ से जो हम कस्टम हुक इंपोर्ट करेंगे जो हमें टेंसटैक क्वेरी दे रहा है उसका नाम है यूज क्वेरी ठीक है यूज क्वेरी को इम्पोर्ट करने के बाद ये इम्पोर्ट्स हटा देते हैं यूज इफेक्ट यूज स्टेट क्योंकि हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हमने सिर्फ यूज क्वेरी इम्पोर्ट किया टेंसटेक रिएक्ट क्वेरी से ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा यूज क्वेरी को कॉल करूँगा और ये यूज क्वेरी हमें हेल्प करेगा एस कॉल करने में ठीक है अब ये क्या करेगा यो सारा काम करेगा जो अब तक हम पढ़ते हैं यानी कि ये ए कॉल करेगा ठीक है उसका स्टेट क्या है बताएगा अगर वो मतलब एक ए कॉल हुई तो लोडिंग स्टेट रहेगा अगर वो ए फेल हो गई तो हमें एरर आएगा अगर पास हुई यानी सक्सेस हुआ तो डेट आएगा तो उसके लिए हम इसे कन्फिगर करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यूज़ क्वेरी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा की दिख रहा है राइट तो हम इसमें से यूज़ करने वाले क्वेरी एफ ठीक है क्वेरी एफ इन मतलब क्वेरी फंक्शन और यहां पे हमें पास करने पड़ेगा एक प्रोमिस ठीक है और यहाँ पे हम जो पास करने वाले हो प्रोमिस मेरा क्या रहेगा ये जो मैंने कोड एक्सट्रैक्ट किया है एस कॉल करने के लिए इसको ठीक है सो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा और आप देख सकते हो कि ये सेपरेट फाइल में एस टी डी पी डॉट जे जो कि यूटिलिटी के अंदर है इसका काम सिर्फ क्या है रिक्वेस्ट भेजना ठीक है जब तक आप इसको बोलोगे नहीं तब तक ये भेजेगा नहीं राइट और फिर क्या ये कर रहा है अगर रिस्पॉन्स ओके है नहीं है तो एरर थ्रो करेगा अगर है तो नॉर्मल डेटा भेजेगा ठीक है और ये इसका रिटर्न टाइप क्या है प्रॉमिस है और क्वेरी फंक्शन को भी प्रॉमिस चाहिए क्वेरी फंक्शन को एक कोड चाहिए जो कि एच रिक्वेस्ट भेजेगा ठीक है यानी कि हमें समझना ली क्या बात है यहाँ पे टेंस क्वेरी ठीक है खुद से एच रिक्वेस्ट भेजने वाला कोई कोड प्रोवाइड नहीं करता ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हो इनफैक्ट हमें अपना कोड प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है जो ए सी रिक्वेस्ट भेजेगा उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आए चाहे उसका जो भी स्टेट हो टेंस टैग उसको मैनेज करेगा ठीक है यानी कि टेंसटैक क्वेरी बोलता है कि मुझे कोड दो जो ए रिक्वेस्ट भेजेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कोड आ सकता है आप चाहे तो यहाँ पे फेच यूज कर रहे हो आप यहाँ पे एक्सेस यूज कर सकते हो ठीक है तो आपकी चॉइस है इसको बस चाहिए कोड आपका कस्टम कोड ठीक है जो कि एच रिक्वेस्ट भेजेगा भेज सकता है और आप एक बार उसको पास कर दोगे उसके बाद ये टेक ओवर कर लेता है उसको कैसे मैनेज करना है कैशिंग कैसे करेंगे उसका स्टेट कैसे मैनेजमेंट करना है एरर कैसे बताएगा ठीक है तो मैंने वही चीज़ की है मैंने सिर्फ उसी कोड को यहाँ पे रखा है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है ए कॉल करने के लिए ठीक है अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं फिज नोट्स को यहाँ इम्पोर्ट कर सकता हूँ सो so, मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट फेच नोट्स ठीक है फ्रॉम यूटिलिटी एच और ये मेरा नेम्ड इम्पोर्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट किया है ना ये डिफॉल्ट नहीं है तो अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फेच नोट्स ओके मैंने पास कर दिया मुझे कॉल नहीं करना कॉल ये खुद करेगा ये ये क्या बोल रहा है टैंस टैक् बोल रहा है कि देखो मैं तो तुम्हें कोई कोड नहीं प्रोवाइड करूंगा जो कि एच रिक्वेस्ट भेजेगा तुम मुझे प्रोवाइड करो तो मैंने यहाँ पे दिया आप देख सकते हो राइट right साइड में राइट right? तो मैंने यहाँ पे इसको कोड दिया कि ये कोड है भाई ठीक है अब रिक्वेस्ट भेजो तो मैंने कर दिया इसको तो हमने क्या समझा यूज क्वेरी को कन्फिगर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है और इसमें इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम है क्वेरी फंक्शन जो कि एक प्रॉमिस एक्सेप्ट uh, करता है ठीक है सो मैंने एक फंक्शन पास पास किया फेज नोट्स जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा क्योंकि ये इसका काम असिंक्रोनस है सो फेज नोट्स मेरा सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डेटा लाने के लिए ठीक है ये कोई भी अलग सा स्टेट मैनेज नहीं कर रहा सिर्फ डेटा लाएगा अगर है तो ठीक है नहीं तो एरर थ्रो करेगा राइट जो भी है अगर लेख से कुछ भी रॉन्ग होता है तो।, तो मैंने सिर्फ वही पास किया है इसके साथ आपको एक और प्रॉपर्टी पास करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है क्वेरी की ठीक है अब ये क्वेरी की एक एरे रहेगा और इसके अंदर आपको आइडेंटिफायर पास करना पड़ता है जो भी आप जिस नाम से आप चाहें इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं नेस्टेड एरे पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स से मैंने यहाँ पर नाम दिया नोट्स अब एक क्वेरी की में मैंने नोट्स क्यों पास किया और इसको नोट्स क्यों चाहिए यहाँ पर आइडेंटिफायर क्यूँ चाहिए यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकता है आपके हिसाब से आप देख सकते हो आगे माई नोट्स कुछ भी रख सकते हो ठीक है मल्टीपल भी हो सकता है इसको इसलिए चाहिए ताकि रिलेट कर पाए यानी कि जैसा हमने जाना है कि यूज़ क्वेरी क्या करेगा बेसिकली एक फेच यानी गेट रिक्वेस्ट करेगा ठीक है और जो डेटा आएगा उसको कैश करेगा इस की के नाम से ताकि अगर किसी और कॉम्पोनेंट में ये सेम क्वेरी रन हो तो उस डेटा को यूज़ कर पाएगा अगर आपने वहाँ भी सेम क्वेरी की पास किया यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्पोनेंट ए में मैंने यूज़ क्वेरी क्वेरी की में नोट्स पास किया है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो है ना क्वेरी की में मैंने नोट्स पास किया है अरे भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे राइट और फिर मैं कॉम्पोनेंट बी में भी कर रहा हूँ मैंने नोट्स ही पास किया है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कॉम्पोनेंट ए मतलब कि यहाँ पे क्या फेस नोट्स यूज़ कर रहा हूँ तो फेस नोट्स रिस्पॉसिबल है एस डी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए सो लेट्स से एस डी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ और डेटा आ गया अब ये रिस्पॉन्स जो है मेरा कैश हो जाएगा और कॉम्प्रेंट बी में अगर मैं सेम यूज क्वेरी यूज़ करता हूँ और अगर मैं ये सेम नोट्स आइडेंटिफायर मैं पास करता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ किया है तो ये फिर से एस डी रिक्वेस्ट कॉल नहीं करेगा ये सीधा कैश डेटा यूज़ करेगा ठीक है यानी कि यहाँ पर जो डेटा यूज़ होगा यूजिंग कैस्ट डेटा स्पेलिंग रॉन्ग है आप लेकिन समझ गए ठीक है क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेरी की सेम है इसलिए क्वेरी की इसलिए इसको चाहिए काइंड ऑफ ए मैकेनिज़्म है कि, कि किस कैसे वो डेटा को रिलेट कर पाएगा है ना इससे फ़ायदा ये होगा कि कॉम्पोनेंट बी को रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा है ना मतलब इसको फिर से वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्वेरी एक्सिक्यूट हो चुकी है तो इस तरह के मेकेनिज़म से आप अपने यू पे जल्दी से डेटा दिखा सकते हो अभी एरर आ रही है उसको फिक्स करेंगे क्योंकि अभी हम बीच में तो ये ऐसे काम करेगा ठीक है और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो क्वेरी की पास कर रहे हो रिएक्ट क्वेरी उसको इंटरनली स्टोर करता है ठीक है इसीलिए हमें हर क्वेरी के लिए क्वेरी की पास करना पड़ता है ताकि रिएक्ट क्वेरी पता कर पाए कि अगर वो देखेगा कि सिमिलर डेटा पास हो रहा है यानी सिमिलर की पास हो रहा है तो उस एग्जिस्टिंग डेटा को जो ऑलरेडी कैश में है उसको यूज़ कर पाए और कैश में कितना देर रहेगा ये भी आप इसको कन्फ्यूज कर पाओगे आगे जाके देखेंगे स्टेल टाइम और जो भी चीज़ें हैं लेकिन अभी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे सो ये हमें रिटर्न करेगा यूज़ क्वेरी ठीक है जिसको हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल पे जिसका नाम है लेट्स क्वेरी ऑब्जेक्ट ठीक है या फिर आप यहीं पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो और वो सारे वैल्यूज़ को पुल कर सकते हो जो कि यूज़ क्वेरी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो एग्ज़ाम्पल पर हम आप देख सकते हैं डेटा एरर इज़ एरर इज़ फेस्ड इज लोडिंग राइट तो इसमें से मैं डेटा ले लेता हूँ ठीक है अब ये जो डेटा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखिए एस डी बी डॉट जे के अंदर फेच नोट्स राइट जो कि आपने लिंक किया है क्वेरी फंक्शन के साथ फेच नोट्स ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है एक जो आपका एक्चुअल डेटा वो यहाँ पे डेटा रेफर हो रहा है ठीक है अभी डेटा तुरंत तो नहीं आ जाएगा इसके लिए यूज़ क्वेरी क्या करेगा रिक्वेस्ट भेजेगा थ्रू आपका जो भी आपने प्रोवाइड किया फंक्शन तो इसमें टाइम लगेगा तो इसी के लिए आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं इज पेंडिंग ठीक है और ईज पेंडिंग आपका ट्रू रहेगा जब आपका डेटा अभी लेट से आपका रिक्वेस्ट ऑन है अभी तक रिजल्ट नहीं आया रिस्पॉन्स नहीं आया राइट और लेट से अगर ऑन है तो फेल भी हो सकता है तो इसीलिए हमारे पास क्या है इज एरर राइट इससे पता चलेगा एरर आए कि नहीं आया ठीक है यहां पे इज पेंडिंग के जगह पे आप इज लोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इज लोडिंग काइंड ऑफ जनरिक या जनरल टर्म है या जनरल यूज़ के लिए है इस पें से आप यहाँ पे यूज़ क्वेरी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हो ठीक है तो इस पेंडिंग पर्टिकुलर इस क्वेरी के लिए बताएगा इज लोडिंग ओवरऑल क्वेरी के लिए बताएगा ठीक है सो यहाँ पे मैं इज लोडिंग चाहे इज पेंडिंग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ ये डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है अगर आपको ओवरऑल कॉम्परेंट में जो भी क्वेरी चल रही है उसका स्टेटस चाहिए तो यूज़ इज लोडिंग यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक के लिए इज़ पेंडिंग यूज़ कर सकते हैं और इज एरर के लिए आपको एस डी रिक्वेस्ट के अंदर लेट्स से फेच नोट से मेरा अभी तक एक ही है तो आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर फंक्शन रिस्पॉन्स अगर लेट्स नहीं आया यानी किसी वजह से एग्जाम्पल एरर आ गया ठीक है फेल हो गया तो आपको एरर थ्रो करना है तभी आपका यहाँ पे इज एरर ट्रू होगा राइट उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा देकर एरर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है एरर मतलब जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे ये है ना तो अब इसको यूज़ कर सकते हैं तो लेट से मेरा इज लोडिंग ऑलरेडी सेम नाम से है तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इज़ एरर है तो मैं यहाँ पे इज़ एरर भी यूज़ कर सकता हूँ नहीं तो मैं एरर भी चेक कर अगर एरर सेट है यानी एरर में आया तो एरर दिखा रहे और अभी के लिए हम सीधा एरर भेज रहे हैं ठीक है मैसेज में पास कर रहे हैं इसको थोड़ा बाद में सही से ठीक करेंगे अभी के लिए एक एरर आ रही है अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो क्या बोल रहा है नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर एटीन लाइन नंबर एटीन जो है मेरा कहाँ पर है ये है ठीक है अब ये नोट्स नहीं है डेटा है ठीक है मेरा डेटा इसमें आ रहा है इसमें ठीक है डेटा नाम का जो ये वेरिएबल uh, है राइट जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना इससे तो इससे आ रहा है तो मैं यहाँ पे डेटा से रिप्लेस कर दूँगा ठीक है इसके बाद देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है यानी यू पे और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है राइट ऑफ रीडिंग मैप मतलब कि मेरा जो डेटा है अनडिफाइंड आ रहा है शुरू में राइट आएगा ही आएगा है ना क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जब फेचिंग कर रहा होगा ऑन गोइंग रिक्वेस्ट होगा तब तो ये अनडिफाइन ही रहेगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि डेटा मेरा एटलीस्ट रहना चाहिए तो ही डेटा डॉट मैप करूँ मैं ठीक है उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा भी आ रहा है और ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ना ये ये कौन भेज रहा है ये मेरा भेज रहा है यूज क्वेरी यानी टेंस टैक भेज रहा है ठीक है इसको मैंने बस लॉजिक दिया जो ए रिक्वेस्ट को कॉल करेगा और भेजने वाला भाई यही है ठीक है so, सो अभी ये देखिए ये दो बार आया क्यों जितनी बार मैं इस पर जाऊँगा ना मतलब स्विच बैक करूँगा फोकस करूँगा ये इतनी बार कॉल करेगा तो ये टैंस्टैक का फीचर है ठीक है इसको लग रहा है कि मतलब कि जैसे ही आपका विंडो फोकस होगा लेथ से मैं अभी देखिए मैं क्लियर करता हूँ मैं इसमें से वापस इस पर जाऊँगा फिर से अगर लेथ से मैं थोड़ी देर बाद फिर से इस पर आया यानी ये ट्राई कर रहा है कि जैसे ही आप फोकस करोगे तो आपको एक लेटेस्ट डेटा मिले ठीक है तो ये इसके लिए आपको अलग सा कोड लिखना पड़ता है लेकिन टेन्स टैक यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है अब लिथ से मेरा ईज लोडिंग दिखता है कि नहीं भी चेक कर लेते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्लो थ्री जी करूँगा और मैं नोट्स पे से इस पर आऊँगा ठीक है अब ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि मैं स्लो थ्री जी कर दिया और न्यू नोट्स से नोट्स पे आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में है मतलब रिक्वेस्ट जा रही थी बैकग्राउंड में लेकिन मुझे फिर भी डेटा दिख रहा था आप यहाँ पे देख सकते हो है ना पेंडिंग स्टेटस का फिर भी मुझे डेटा दिख रही है यानी ये डेटा अब कैशे से उठा रहा है, है ना रिएक्ट क्वेरी इंटरनली कैशे मैनेज कर रहा है जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था राइट ये सारा चीज़ क्या क्या दे रहा है डेटा कैशिंग डेटा मैंने सो सो काइंड ऑफ ये करके आ रहा है अगर आप बात करो तो बैकग्राउंड डेटा सिंक्रोनाइजेशन डेटा सिंक कर रहा है हो सकता है कि किसी और ने नोट्स और पोस्ट किया हो ठीक है और लेट्स से मैं दोबारा इस पर कुछ देर बाद आऊँ तो मुझे वही चीज़ दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये क्या करता है एक नया रिक्वेस्ट भेजता है और आपका डेटा अपडेट कर देगा बैकग्राउंड में है ना तो इस तरह अब लेट्स एक चीज़ देखते आ, मुझे क्या करना है मुझे चेक करना है कि मेरा इज लोडिंग मतलब भाई काम कर रहा है कि नहीं राइट लिख तो मैंने दिया है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और अभी क्या स्लो थ्री है टाइम लगेगा ही लगेगा इवन दो मेरा डेटा मेरे अपने ही मशीन से आ रहा है लोकल से आ रहा है राइट तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये देखिए ये भी काम कर रहा है है ना लोडिंग सो ओनली लोडिंग फर्स्ट टाइम दिखता है उसके बाद से हमें नहीं दिखता तो इस तरह ये काम कर रहा है और हमारा ये जो प्रॉमिस इसको आप असिंक अवेट भी यूज़ कर सकते हो सो लेट्स ए मै कॉन्स्ट रिस्पॉन्स असाइन कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे दिन ब्लॉक तो होगा नहीं तो मैं बस चेक कर रहा कि अगर मेरा रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है ठीक है उसके इसमें क्या करेगा ये थ्रो कर देगा एरर सेम लाइन पे लिख रहा और इसी के साथ मैं इसको हटा दूँगा ठीक है ये या फिर मुझे ये भी तो करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसे जेसन फॉर्मेट में डेटा लेना है तो मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है और लिथ से सब चीज़ सही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा ठीक है सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन इससे मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा आप चाहे तो यहाँ पे सीधा इसको रिटर्न भी कर सकते हो और भी छोटा करने के लिए कोड को और क्योंकि मैं यहाँ पे फेच यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अब, अब वेट यूज़ करना पड़ेगा और जब आप अब वेट यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको कोड को आपके फंक्शन को सिंक होना पड़ेगा ठीक है अब इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया प्रॉमिस हो गया आपको यहाँ भी वेट यूज़ करना पड़ेगा सो so, राइट right, इसका रिटर्न फिर से प्रॉमिस हो गया और ये काम करेगा तो कोड काफ़ी स्लिम हो गया ठीक है आप इसको और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो लेट्स यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कॉन्स्ट एरर इक्वल टू न्यू एरर ठीक है ये मैंने लिखा एरर फेस्ट वाइल फेचिंग नोट्स ठीक है एरर ऑक्ट लिख देता हूँ इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देता हूँ थोड़ा अच्छा सा दिखेगा इसके साथ आप इसको और भी कन्फिगर कर सकते हो लेथ से मैं अगर एरर का कोड दे दूँ ठीक है और एरर का कोड मेरा क्या रहेगा जो भी रिस्पॉन्स का स्टेटस आएगा फोर नॉट फोर आएगा अगर लेथ से मैं यहाँ पे कुछ भी गलत लिख देता हूँ तो इस केस में एग्जाम्पल उसके बाद मैं एरर का मैसेज भी सेट कर सकता हूँ इक्वल टू तो मेरा क्या रहेगा जो भी लिथ से मैं सेट कर दूँ यहाँ पे या लिथ से मैं यहाँ पे क्या करूँगा अवेट कर लेता हूँ और जो भी ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स तो जेसन ठीक है अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज रिटर्न करेगा और फिर मैं यहाँ पर थ्रो कर दूँगा इसको थ्रो एरर सो मैंने एक लाइन था तो मैंने थोड़ा और कन्फ्यूगर कर दिया अब मैं इस एरर मैसेज को यूज़ कर पाऊँगा तो मैं अब जो यहाँ पर नोट्स डॉट जेज़ के अंदर ये जो मैसेज पास कर रहा हूँ एरर ठीक है एरर डॉट मैं अब क्या पास कर सकता हूँ मैसेज सीधा ठीक है इसको भी ट्राई कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं तो मैं क्या करूँगा इसे भी एक और थोड़ा चेंज कर देते ठीक है मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया जानबूझ के रिफ़्रेश करता हूँ इफ़ यू मीन ट्रेंडर कलेक्शन क्या हो गया भाई अच्छा इसको मैं नो थ्रॉटलिंग करता हूँ और ये देखिए फेल हो रहा है लोडिंग स्टेट में ही घूम रहा है उसके बाद यहाँ पे रिट्राई करके तीसरे बार में एरर दिखा दिया ठीक है डॉक टाइप इज नॉट वैलिड जेसन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एस डी पी डॉट जेस के अंदर लाइन नंबर सिक्स पर अगर कोई एरर आता है तो बैकेंड इस केस में कुछ ना कुछ रिट, आ, रिजल्ट रिटर्न करेगा कोई एरर ठीक है क्या स्पेसिफिक एरर है लेकिन इस केस में बैकेंड तक तो कोड जा ही नहीं रहा है ना ये पाथ ही रॉन्ग है तो अभी जो स्टेटस कोड आ रहा होगा फोर जीरो फोर आ रहा होगा ठीक है नॉट फाउंड का है ऐसा कोई पाथ ही नहीं है जहाँ से डेटा आने वाला है और इसीलिए लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है रिस्पॉन्स में ये हमारे एस टी आ रहा है है ना और ये जो है मेरा डेटा ठीक है इस पे आप डॉट जेसन कॉल करोगे तो वैलिड नहीं है राइट तो इसीलिए वो एरर दे रहा डॉक टाइप आप यहाँ पर क्या कर सकते हो नॉर्मल समथिंग वेंट रॉन्ग सेट कर सकते हो ठीक है ऐसा करके और नहीं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो अगर आपका जो एरर का स्टेटस है ठीक है ये अगर इक्वल टू फोर जीरो फोर है ठीक है अगर है तो समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं तो अवेट जेस रिस्पॉन्स डॉट जेसन ठीक है आप ये भी कर सकते हो इस केस में लेकिन हम क्या देख रहे हैं अगर फोर नॉट फोर है और कोई आया यानी कि लग से फाइव हंड्रेड तो सर्वर कुछ ना कुछ रिटर्न किया होगा ठीक है अभी देखिए एरर नहीं आना चाहिए मतलब डॉक टाइप टाइप का एरर नहीं आना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग आना चाहिए फिर से रिफ़्रेश करता हूँ फोर ज़ीरो फोर स्टेटस कोड है वैसे मेरा तो मैंने सही चेक किया है यहाँ पे अगर फोर नाट फोर है एरर कोड देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग आया तो इससे आप इस तरह चेक भी कर सकते हो तो गाइज अब तक आप देख चुके हो गए टें स्टैक क्वेरी का एक झलक कि किस तरह से ये फीचर आउट ऑफ बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है आगे हम और भी एक्सप्लोर करेंगे आप इसको ट्राई कर सकते आई होप आपको समझ में आ रहा होगा